गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल टुम्पस किचन एंड ब्लॉग। तो आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है टुम्पस किचन एंड ब्लॉग में। गाइस अब लोग अच्छे हैं तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए वीडियो, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। देखिए दाल और पालक एक साथ प्रेशर कुकर में दो सीटी लगा लिए हैं। तो अभी कढ़ाई में डाल दिया है तेल, तेल में डालेंगे 5 फोड़न और सूखा मिर्च। फोड़न हो गया तो देखिए प्याज और टमाटर एक काट के डाल दिए हैं। उसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और डालेंगे 3 कच्चा मिर्च। इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। मसाला जब भून जाएगा तो उसमें डाल देंगे बॉईल किया हुआ दाल और उसको थोड़ा सा काटा से पीस लेंगे ऐसे। देखिए कितना सुंदर हो गया है कलर और दाल एकदम साबुत रहेगा और साग भी बहुत सुंदर से फ्राई हो गया और कितना अच्छा कलर आया है गाइस। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए दाल, ऐसा टेस्टी दाल आप लोग घर में एक बार ट्राई करके देखिए। अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में बताना कैसा लगा। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया और बस उतार लेंगे। तो ऐसा क्विकली बहुत फास्ट और बहुत ही कम मसाले से हेल्दी और टेस्टी पालक का दाल बन गया है। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना और रोटी के साथ या राइस के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी होता है गाइस। और बच्चे लोग बहुत ही चाव से खाता है और घर में गेस्ट आ जाए तो भी बहुत ही हेल्दी हेल्दी खाना आप बना के दे सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कैसा बना है। तो मैं अभी पतीले में डाल रही हूँ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कलर देखिए गाइस कितना प्यारा कलर आया है ना। थोड़ा सा मसाला दिया है और दाल देखिए गला भी नहीं है और गल भी गया, इतना सुंदर। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा दाल, आप घर में ज़रूर बनाना, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। अभी खाने के लिए प्लेट लगा रही हूँ। आपके मन में भी खाने का इच्छा हो रहा है क्या देख के? तो चलिए जल्दी जल्दी बना लीजिए।